Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Assalamu alaikum guys, main hoon Rafshan Nazif aur aap log dekh rahe hain Crazy Information Technology. अगर आप लोगों के पास पीसी कंप्यूटर है, लैपटॉप है और आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ऐसी कीज़ हैं जिनका इस्तेमाल कुछ ही दोस्तों को पता है. तो आज मैं उस कीज़ का इस्तेमाल आप लोगों को बताऊंगा कि आप उन कीज़ का इस्तेमाल कैसे करेंगे और किन जगह पे करेंगे और वो कीज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं हैं. आज मैं आप लोगों को आप लोगों की कीबोर्ड की कीज़ के सीक्रेट्स के बारे में बताऊंगा. तो दोस्तों उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं. तो दोस्तों ये आपकी कीबोर्ड आ गई. इसमें है इंसर्ट बटन है, होम है, अप डाउन, डिलीट एंड पेज डाउन और नम लॉक और स्केप के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनके क्या काम हैं और इनसे आप क्या कर सकते हैं, कौन से शॉर्टकट आप इनसे कर सकते हैं, आप इन कीज़ को कैसे काम में ले सकते हैं. तो दोस्तों इधर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इंसर्ट. तो मैं बताता हूँ इंसर्ट का क्या काम है. तो मैंने अपना वर्ड खोल लिया. देखिए दोस्तों ये एक फाइल सी है, एक फाइल सी हो गई है. तो अगर हम इधर कोई लफ्ज़ लिखें, मसल में अपना नेम लिख लें, तो देखिए दोस्तों ये इधर लिखा जा रहा है. और अगर हम उसे सेलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करें तो जो पुराना वर्ड जो लिखा होगा, पुरानी लाइन सेंटेंस जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा और न्यू सेंटेंस लिखा हो जाएगा. देखिए दोस्तों ये न्यू सेंटेंस लिखा जा रहा है. तो ये हमारे पास इंसर्ट का काम है. तो अब हम सेकेंड आ जाते हैं. सेकेंड हमारे पास है होम. होम और एंड का मैं भी आपको बता देता हूँ. मैं कोई भी पेज खोल लेता हूँ. दोस्तों अभी ये पेज है, हमें इसके एंड पे जाना है. तो हमें सिंपली स्क्रॉल करने की बगैर एंड बटन पे क्लिक करें तो हम पेज के एंड पे पहुँच जाएंगे. तो देखिए दोस्तों हम पेज के एंड पे पहुँच जा गए. ये टाइम शॉर्टकट कीजिए, ये हमारे टाइम को बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो दोस्तों थर्ड हम फिर करते हैं होम क्या है. तो देखो दोस्तों हम जैसे होम पे क्लिक करें तो ये फर्स्ट में आ जाता है. तो ये होम और एंड स्क्रीन का काम है. देखें जब एंड करें तो एंड पे आ जाता है, होम पे करें तो फर्स्ट जगह आ जाती है. तो ये टाइम के वेस्ट होने के लिए हम ये शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करते हैं. तो दोस्तों फिर हमारे पास आ जाता है पेज अप एंड पेज डाउन. तो देखो दोस्तों आप इधर से फेसबुक से लेके इधर तक जितना भी जगह नज़र आ रही है आपको, जितना भी लिखाई व्यू आपको हो रही, जितनी भी स्क्रीन व्यू हो रही है, ये हमारा पेज अप है. देखो दोस्तों हम जैसे पेज डाउन पे क्लिक करें तो देख सकते हैं इधर है मोर फॉर फेसबुक. इधर से हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा. देखो मोर फॉर फेसबुक, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ गए जितना हमें डिस्प्ले हो रहा है. देखिए सर्च इज़ रिलेटेड टू फेसबुक है. फिर हम पेज डाउन करें तो नीचे आ जाएगा, पेज हमारे पास ख़त्म हो गया है. देखिए दोस्तों इधर ट्विटर ये चीज़ें हैं. हम पेज अप करते हैं तो यहाँ से देखिए ये चीज़ें यहाँ आ गई, ये हमारा अगला हो गया है. अब फिर हम पेज अप करें तो देखें हमारा पेज ऊपर हो गया. तो ये स्टेप बाय स्टेप पेज अप पेज डाउन करते हैं और होम और एंड से हम डायरेक्ट ऊपर को आ जाते हैं, डायरेक्ट एंड पे पहुँच जाते हैं किसी भी पेज के. तो फिर दोस्तों हमारे पास सिक्स ऑप्शन आ जाता है डिलीट का. तो मैं आपको वर्ड को ओपन करके डिलीट बता दूं. तो डिलीट का क्या काम है. देखो दोस्तों हम तो ज़्यादातर बैक स्पेस के ज़रिए लेटर्स को ख़त्म कर देते हैं. देखो बैक स्पेस की मदद से हम पिछले लेटर्स को ख़त्म कर लें, जबकि हम डिलीट से अगले लेटर्स को फिनिश करते हैं. देखो अब बैक स्पेस से एस ख़त्म होगा, डी ख़त्म होगा और हमें फॉरवर्ड से कुछ हटाना है तो हमें डिलीट के बटन से फॉरवर्ड के बटन से हमें आगे हटा देना है. तो ये डिलीट का काम है. दोस्तों आज के लिए इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.